माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने सत्र 2022-23 के लिए नया ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। तो आप माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके वहां से ब्लूप्रिंट चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें है हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2022-23, ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं से 12वीं तक। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। और आइए देखते हैं कक्षा 10वीं विषय इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। जी, इसमें है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी यानी इंग्लिश। पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का, समय रहेगा 3 घंटे का। तो इंग्लिश का जो पेपर आपका होगा वो 75 नंबर का रहेगा और 25 नंबर की आपकी प्रोजेक्ट होगी, ठीक है। और आइए देखते हैं इसमें डिटेल। तो इसमें पहला है सेक्शन ए 10 मार्क्स, सेक्शन ए में 10 नंबर का जो है ये रहेगा, जिसमें है रीडिंग से रिलेटेड। तो पहला होगा क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज का, और ये अनसीन पैसेज आएगी एक, जिसके 5 नंबर रहेंगे और एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 5। फिर दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 अनसीन पैसेज, ये भी 5 नंबर का रहेगा और इसमें भी एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी सेक्शन ए से टोटल 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, टोटल 10 नंबर का रहेगा और सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी से 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसमें राइटिंग से रिलेटेड रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा वो होगा नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में आपको टाइटल लिखना होगा और नोट्स लिखना होगा, इसके 4 नंबर रहेंगे, ठीक है। 2 नंबर टाइटल के और 2 नंबर नोट्स के, इस तरह से भी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल, यानी जो है लेटर लिखने को आएगा, जिसे हम कह सकते हैं आप अप्लीकेशन या लेटर, 4 नंबर का रहेगा और उसमें से 1 आएगा। फिर है लॉन्ग कंपोजिशन एसे आर्टिकल पैराग्राफ, ठीक है। तो एसे लिखने को आएगा, आर्टिकल या पैराग्राफ, ये जो है आपका 5 नंबर का रहेगा और 5 नंबर का इसमें 1 क्वेश्चन आपको आएगा। फिर है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, 3 नंबर का रहेगा, यानी एक चित्र दिया रहेगा, चित्र को देखकर आपको चित्र के बारे में लिखना होगा, उसे कहते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन और ये 3 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से लिखने के भाग में 16 नंबर में नोट मेकिंग आपका 4 नंबर का आएगा, अप्लीकेशन लेटर 4 नंबर का आएगा, अप्लीकेशन और लेटर दोनों आएगा, उसमें से करना एक ही रहेगा, तो 4 नंबर का रहेगा, चाहे अप्लीकेशन आप लिखें चाहे लेटर। फिर लॉन्ग कंपोजिशन में ऐसे हो गया आर्टिकल पैराग्राफ, 5 नंबर का रहेगा, ऐसे 5 नंबर का रहेगा यानी निबंध आपका। फिर पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से है। फिर आते हैं सेक्शन सी, जो कि 10 नंबर का रहेगा और ये सेक्शन सी होगा ग्रामर से संबंधित। तो ग्रामर से संबंधित जो रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरिए, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, 5 नंबर का रहेगा और 5 क्वेश्चंस रहेंगे, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा डू एज डायरेक्टेड, ठीक है ना, डू एज डायरेक्टेड, ये भी ग्रामर का ही पोर्शन होता है। इसमें मेक नेगेटिव, मेक इंट्रोगेटिव, है ना, चेंज द वॉइस, ऐसा जो भी होता है वो डू एज डायरेक्टेड में होता है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी 5 आएंगे, 5 नंबर का रहेगा, एक एक नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, इस तरह से, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी है जो है वो 39 मार्क्स का रहेगा, 39 नंबर का, ठीक है। अब ये जो नंबर है 39 नंबर जो है वो टेक्स्ट बुक से रहेगा, यानी आपकी किताब से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा टेक्सटुअल MCQs फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। कक्षा 10वीं में आपकी जो इंग्लिश की किताब है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, पहली किताब जो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट है।
इससे जो है MCQs क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पाठ के अंतर्गत के, चार आएंगे और चार नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में एक आपको आएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरा रहेगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार से छः नंबर का रहेगा। यानी कोई भी चार लाइनें लिखी होंगी किसी पार्ट की, उनके बारे में आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, ये कहलाएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज जो कि फर्स्ट फ्लाइट आपकी किताब होगी उसमें से, और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोयम यानी कविता की कोई भी चार लाइनें दी गई होंगी और उसमें से क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह से छः नंबर यानी तीन नंबर की कविता के लिए और तीन नंबर का पाठ के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका छः नंबर का होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। अब जो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं आपकी किताब से आएंगे जो कि 12 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और ये जो 12 नंबर के रहेंगे वो दो दो नंबर के रहेंगे, 6 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, ठीक है। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री, कविता से भी जो हैं लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे जो कि 4 नंबर का रहेगा, दो दो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे दो। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब क्वेश्चन आंसर आपकी जो दूसरी किताब है, पूरक पुस्तक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, अंग्रेजी की दूसरी पुस्तक, उसमें से भी आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दो दो नंबर के दो क्वेश्चन रहेंगे। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज फर्स्ट फ्लाइट। अब आपकी जो पहली किताब है फर्स्ट फ्लाइट से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है, और तीन नंबर का रहेगा जो कि तीन नंबर का एक क्वेश्चन करना रहेगा आपको। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री फर्स्ट फ्लाइट, और कविता से रिलेटेड भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा जो कि तीन नंबर का रहेगा और ये तीन नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तीन नंबर का, और एक क्वेश्चन आपका जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट आपकी इंग्लिश की दूसरी जो किताब है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, वो तीन नंबर का रहेगा। तो इस तरह से टोटल 75 नंबर का कुल पूर्णांक होगा, एक एक नंबर के कुल टोटल 30 एक एक नंबर के जो हैं कुल 30 अंकों मतलब 30 मार्क्स रहेंगे, दो नंबर के जो हैं टोटल 20 मार्क्स रहेंगे, तीन नंबर के 12 मार्क्स रहेंगे टोटल, और चार नंबर के 8 मार्क्स का टोटल रहेगा, और पांच नंबर के जो हैं इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो हैं 16 क्वेश्चन बनेंगे इंग्लिश के पेपर में। दूसरा है इसमें 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 40% विषय परक प्रश्न होंगे, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। तो इस तरह से आपका डिवाइड रहेगा, और इसमें प्रश्न क्रमांक 1, 2, 7, 8, 9 एवं 10 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो एक अंक निर्धारित हैं। जो भी क्वेश्चन नंबर बताए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को छोड़ दें तो सभी में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा अथवा का और मिलेगा, तो आप अथवा में भी से कर सकते हैं। और लिखने के लिए जो शब्द सीमा है उस प्रकार से कि लघु उत्तरी प्रश्न जो रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे दो नंबर के, जिनको आपको 30 शब्दों में लिखना होगा यानी 30 words लगभग तीन लाइन में, और लघु उत्तरी प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे तीन नंबर के, उनको 75 शब्दों में लिखना होगा लगभग 7 से 8 लाइनों में, और जो विश्लेषणात्मक प्रश्न है यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं 4 नंबर के, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन को आपको लगभग 120 शब्दों में लिखना होगा लगभग 10 से 12 लाइनों में। और फिर आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, उसको लगभग 150 शब्दों में लिखना है आपको लगभग 15 से 20 लाइनों में, लेकिन ध्यान दीजिएगा निबंध वगैरह में आप 1.5 से 2 पेज तक, ठीक है। फिर कठिनाई इस तरह से है कि 40% सरल प्रश्न आएंगे, 45% सामान्य और 15% कठिन, तो कठिन प्रश्न जो हैं वो कम आएंगे
लेकिन उनका परसेंटेज 15% रहेगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं किस साल कौन कौन से पाठ कम किए गए हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है। उसमें है सत्र 2022-23 कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी कम किया गया पाठ्यक्रम। इसमें आपकी जो पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से जो प्रोज सेक्शन है यानी पाठ जो हैं उनमें से द 100 ड्रेसेस फर्स्ट हटा दिया गया है एंड दूसरा वही है द 100 ड्रेसेस सेकेंड, ये दोनों पाठ हटा दिए गए हैं। फिर इसके बाद है पोएट्री सेक्शन, पोएट्री सेक्शन में एनिमल्स ये जो कविता है पोएट्री सेक्शन में उसको हटा दिया गया है। अब आते हैं यानी कविता से एनिमल जो कविता थी वो हटा दी गई है। अब आपकी दूसरी बुक होती है बुक जो है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें भी एक पाठ जो है द हैक ड्राइवर, ठीक है ये पाठ जो है हटा दिया गया है। क्लियर, और आइए अब देखते हैं कि जो आपके अनसीन पैसेज हैं बाकी सबको किस प्रकार से लिखना है उस संबंध में। जी तो इसमें इंग्लिश क्लास 10 सेक्शन ए रीडिंग स्किल, ठीक है यानी जो पढ़ने के सेक्शन होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, ठीक है अनसीन पैसेज का रहेगा 10 नंबर का अपठित गद्यांश। 2 अनसीन पैसेज टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन इंटरप्रिटेशन इनफ्रेंस एंड वोकैबुलरी, द पैसेज मे बी फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव लिटररी और केस बेस्ड, ठीक है तो जो भी आपका अनसीन आएगा उसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, उसी से रिलेटेड जो है वोकैबुलरी रहेगी शब्दकोश रहेगी, ठीक है और उसमें से जितने भी फैक्चुअल रहेंगे लिखने का भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेंगे लिखने टाइप के भी क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे रीडिंग स्किल्स में यानी अनसीन पैसेज में। दूसरा है आपका सेक्शन बी राइटिंग स्किल, तो राइटिंग स्किल में जो चीज़ें होंगी उनमें किस प्रकार से मार्क डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, अंक विभाजन किस प्रकार से होगा, तो उसमें है पहला क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा नोट मेकिंग बेस्ड ऑन ए पैसेज, एक पैसेज दिया रहेगा उसमें आपको नोट मेकिंग करनी होगी, जिसके 4 नंबर रहेंगे और आपको पता है कि उसमें 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। पहला है टाइटल, ठीक है उपयुक्त गद्यांश या गद्यांश का सार शीर्षक लिखिए, ठीक है शीर्षक यानी टाइटल और फिर नोट्स, ठीक है इस तरह से 4 नंबर रहेंगे। और नोट मेकिंग में आप देख सकते हैं फॉर करेक्ट टाइटल का आपका 1 नंबर रहेगा, नंबरिंग एंड इंडेंटिंग के 1 मार्क रहेंगे, की ग्लोजरी यूज ऑफ एब्रीविएशंस के 1 मार्क रहेंगे और नोट्स के 1 मार्क रहेंगे। तो यानी इस तरह से आप टोटल 4 नंबर किस प्रकार से आपको मिलेगा नोट मेकिंग में, ये सभी चीज़ों को आपको लिखना है। टाइटल पहले लिखना है, 1 नंबर का टाइटल आपका सही रहेगा तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नंबरिंग एंड इंडेक्टिंग अगर करेंगे जो कि नोट में होता है नंबर वाइज लिख के और उसके बाद उसके सब ग्रुप लिख के, उसके 1 नंबर आपको मिलेंगे। की ग्लोसरी यूज़ ऑफ एब्रीविएशन, जो भी आप संक्षिप्तांक यूज़ करेंगे ठीक है ना उसके अनुसार से भी उसके 1 नंबर रहेंगे, नोट लिखने के 1 नंबर रहेंगे। इस तरह से टोटल जो है 4 नंबरों का आपको मिल पाएगा। फिर है लेटर राइटिंग में देख सकते हैं 4 नंबर, ठीक है फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर टू बी एनेबल द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ ए लेटर एंड टू अप्लाई देम एंड कंपोज ए लेटर, दे मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस क्लियर एंड कोहेरेंट राइटिंग इन विच द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइल आर अप्रोप्रिएट टू टास्क पर्पस एंड ऑडियंस, ठीक है तो जो भी आपको लेटर दिया जाएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल उनको आपको सही तरह से आपको लिखना है, ठीक है और सही क्या है संदर्भ में सही रूप में उसको लिखना है जिस हिसाब से उसमें पूछा गया है। फॉर करेक्ट फॉर्मेट के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, कंटेंट या बॉडी पार्ट के 2 मार्क्स रहेंगे, एक्सप्रेशन के 1 मार्क्स रहेंगे। इस प्रकार से आपको टोटल 4 नंबर मिलेगा एप्लीकेशन और लेटर में, ठीक है। फिर आते हैं लॉन्ग कंपोजिशन में, राइटिंग एन एसे आर्टिकल पैराग्राफ टू एनेबल द स्टूडेंट टू लर्न प्रेजेंटेशन ऑफ ए कोहेरेंट
आर्गुमेंट इन रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस और क्वेश्चन एंड डेवलप रिसर्च कम्युनिकेशन स्किल्स क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एक्सेट्रा। तो इसमें जितने भी चीज़ें हैं उसमें है पहला लैंग्वेज, जो कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे, खासतौर से ऐसे आता है इसमें, आर्टिकल है, पैराग्राफ राइटिंग भी है, तो इसमें लैंग्वेज के जो हैं एक मार्क्स रहेंगे। फिर दूसरा है कंटेंट, कंटेंट के दो मार्क्स रहेंगे। एक्सप्रेशन में होता है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कोहेरेंस, एप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस। तो इस सब चीज़ों में लैंग्वेज आपकी, मतलब किस प्रकार से आपने उसको लिखा है, कंटेंट माने जो आपका मैटर था, एक्सप्रेशन में सभी चीज़ें आएंगी कि आपने ग्रामेटिकल कोई एरर तो नहीं था, आपने वर्ड को किस प्रकार से फ्रेम किया है, स्पेलिंग कितना है आपका, पंक्चुएशन कैसा है, यानी कहाँ आपने फुल स्टॉप लगाया है कि नहीं लगाया है, अल्प विराम कॉमा लगाया है नहीं, कहीं कहीं और क्वेश्चन मार्क, इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं आपने विधिवत उसमें की है नहीं, ये सभी चीज़ों का चेक किया जाएगा और उसके अनुसार से ये अंक विभाजन है एक ऐसे या आर्टिकल पैराग्राफ को जब आप लिखेंगे तो इन इन बिंदुओं पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, इस तरह से ये अंक विभाजन है। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं ताकि हर पार्ट में जो है आपको नंबर मिले। फिर आते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। पिक्चर दी रहेगी, एक चित्र दिया रहेगा और चित्र के बारे में आपको लिखना होगा, तीन नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पिक्चर गाइडेड कॉम्प्रिहेंशन टू इनकरेज स्टूडेंट टू डिस्क्राइब एंड ऑब्जर्व डिटेल्स इन द गिवन पिक्चर्स, इट विल हेल्प रीइन्फोर्स वोकैबुलरी सीक्वेंसिंग डिकोडिंग क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो जो भी आपको ये प्रकार का चित्र दिया जाता है उसके बारे में लिखने को कहा जाता है, उससे आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं और शब्द कोश की यानी वोकैबुलरी के सीक्वेंसिंग, किस प्रकार से उस चीज़ों को आप अरेंज करते हैं, किस चीज़ों को से चीज़ों को आप समझ पाते हैं, डिकोड कर पाते हैं, ठीक है, आपकी कितनी क्रिएटिविटी आती है, क्या आप उसके बारे में बेहतर सोचते हैं, क्योंकि एक चित्र अगर दिया है तो लिखेंगे तो सभी, लेकिन एक बेहतर लिखने का और सही तरीके से लिखने का क्रमानुसार वो चीज़ें सब उसमें जांची जाएगी, परखी जाएगी। क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, उसमें कितना आप बेहतर सोचे थे और एक बेहतर उस चित्र के बारे में वर्णन करा आपने, वो चीज़ें शामिल रहेंगी पिक्चर गाइडेड कॉम्प्रिहेंशन में। और इसमें लैंग्वेज जो आप लिखेंगे उस भाषा के लिए एक नंबर, कंटेंट जो रहेगा उसके एक मार्क्स रहेंगे और बाकी चीज़ों में इस तरह से हैं। ठीक है, थर्ड में आते हैं, दैट इज़ ग्रामर, 10 नंबर का रहेगा, सेक्शन सी से रहेगा। क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग, अब देखिए ग्रामर में कौन सा आएगा, गैप फिलिंग। गैप फिलिंग मतलब जो भी जगह खाली उसको भरने के संबंध में, जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे टेंस से रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड, कंजक्शन से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड और डिटर्मिनर से रिलेटेड। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी आएंगी ग्रामर में, और ग्रामर में इन बिंदुओं से यानी ये जो पार्ट हैं उन सभी से जो हैं क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको आपको खाली स्थान में भरना होगा। डू एज डायरेक्टेड, ठीक है, जिसमें क्या पूछा जाएगा, वॉइसेस यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ये है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करने के साथ साथ जो निगेटिव है उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करिए, इंट्रोगेटिव को निगेटिव में, सिंपल को निगेटिव में, इस तरह से क्लॉजेज एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो डू एज डायरेक्टेड में आपको मिलेंगे। अब आते हैं सेक्शन डी में, जो है टेक्स्ट बुक यानी आपकी किताब, इसमें से टोटल 39 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 39 नंबर का। इसमें क्या पूछा जाएगा, दिस सेक्शन विल हैव द वेराइटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो इसमें जितने भी पार्ट रहेंगे उन सभी से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप हैं, लॉन्ग आंसर टाइप हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जितना सब कुछ उस पार्ट में आपने आपकी किताब में पढ़ा है उनसे रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस आएंगे और उनसे रिलेटेड जो हैं एक्सप्लेनेशंस आएंगे। ठीक है,
तो इस तरह से जो है आप तैयारी कर सकते हैं, हर चीज़ का इसमें डिटेल दिया गया है। ठीक है, तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।